हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गुरु नीति के एपिसोड 20 में लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। मैं चंद्र प्रकाश और मेरे साथ है रिंकेश कुमार। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है। ओके, इफ लिमिट ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई देन द ग्रेटेस्ट इंटरवल फॉर वाई। ओके चलिए देखिए, पहले लिमिट सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो टर्म है, एक बार जो अंदर टर्म लिखी है इसको ध्यान से देखिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मोड एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसमें बच्चों लिमिट जो है वो है अप्रोचिंग टू इनफिनिटी। अब यहाँ आप सिंपली देख सकते हो कि एक्स अपॉन एक्स प्लस टू विल अप्रोच टू वन। ये अंदर वाली ये जो वैल्यू है दैट विल अप्रोच टू वन, वन को अप्रोच करेगी, है ना। लेकिन लेकिन अगर थोड़ा और गौर से देखें तो आप पाएंगे कि ऊपर एक्स है, नीचे एक्स प्लस टू है। मतलब हर हाल में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा ही होगा। तो भले ही ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे बट ये एग्जैक्टली वन नहीं होगा, वन से थोड़ा छोटा ही होगा। यानी हम कह सकते हैं दैट इज अप्रोचिंग टू वन माइनस। ऐसे में ये जो टर्म है लॉग वाली खुदी दैट विल अप्रोच टू जीरो, पर ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी क्योंकि वो तो तब होगी जब ये वन बने। तो ये भी क्या करेगी, जीरो माइनस को ही अप्रोच करेगी, जीरो से थोड़ी कम ही होगी। ओके तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो जीरो से अगर स्लाइटली भी कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। तो अपनी ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन हो गई। यानी आपको कुछ ऐसा मिल गया माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू आई। सबको एक तरफ ले लो, वाई स्क्वायर माइनस टू आई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट कैन बी रिटर्न वाई माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और आप समझ सकते हैं होल स्क्वायर है तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई। तो y की जो रेंज आती है बच्चों यहाँ पे वो आएगी r, पूरा r आएगा सेट, ये रहा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाँ, इसमें लिमिट गिवन है आपको, इसकी वैल्यू टू है। देन आपको एबीसी के ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो जब भी एबीसी में कोई लिमिट की वैल्यू गिवन हो तो उसका सिंपल ऑप्शन यही कि आप उसमें एक्सटेंशन यूज करें। बिल्कुल, तो देखें ए ई की पावर टू एक्स लिमिट गिवन है आपको एक्स टेंज टू जीरो माइनस बी ई की पावर एक्स। अब देखो इसको ढंग से, कोट एक्स को लिख सकते हैं साइन कोस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल तो ये आ गया कोस एक्स प्लस सी अपॉन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टेन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू बन ले सकते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर e की पावर x इंटू कोस एक्स। अभी देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो जब x को जीरो लोगे तो बेटा ये दोनों वैल्यू तो वन की तरफ टेंड करने वाली है, तो e की पावर जीरो वन कोस जीरो वन, तो इनको तो वन लेके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने को कोई तकलीफ नहीं, अगर साथ ही साथ रखोगे तो एज इट इज आपका वन चलता रहेगा साथ में। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, e की पावर टू एक्स e की पावर x और कोस एक्स का एक्सपेंशन पुट करना है। तो देखें लिमिट x टेंड्स टू जीरो अपॉन में तो ओनली एक्स स्क्वायर लिखना है, ये इक्वल टू टू है, ए ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन सबको याद होना चाहिए वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू डॉट डॉट डॉट। अब देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो ओनली आप एक्स स्क्वायर की टर्म तक लिखो क्योंकि उसके बाद तो जो एक्स को जीरो लोगे तो वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो ई की पावर टू एक्स है तो एक्स को टू एक्स रिप्लेस कर दो, तो वन प्लस 2x प्लस 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या करना है, माइनस b अगेन e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 डॉट 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 और cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 ठीक है और प्लस x स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल और लास्ट में लिखना बेटा प्लस सी इक्वल टू। अब देखो उसे क्या करना है, एक्स को जीरो पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में आ गया जीरो, इधर एक्स को जीरो लोगे तो ये सारी टर्म जीरो में, ये सारी टर्म जीरो में, तो मतलब न्यूमेटर मिलेगा ए माइनस बी प्लस सी अपॉन जीरो इक्वल टू टू। तो अगर ए माइनस बी प्लस सी को अगर नॉन जीरो लोगे तो नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या होगा, इनफाइनाइट, बट अपन को लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है टू। तो सिंपल ऑप्शन यही है इसमें
या तो आप ऐसे लिख दो कि इट इज पॉसिबल व्हेन ए माइनस बी प्लस सी जीरो, बट उसमें अगेन एक्स की टर्म मिलेगी, उससे भी अपन को इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि डिनोमीटर में आपका एक्स स्क्वायर है तो उससे जो लेस पावर है उन सबके कोफिशिएंट को डायरेक्ट जीरो कर दो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो कॉन्स्टेंट है वो क्या होगी, ए वन को वन से करोगे तो वन, तो माइनस बी प्लस सी, तो दिस लिमिट इज एग्जिस्ट व्हेन कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो, तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली एक्स के कोफिशियंट की बात करूं तो इससे क्या आ गया टू है, और इसमें एक्स का कोफिशियंट कैसे मिलेगा, देखो एक्स को तो करना वन से, उससे वन आ गया ठीक है, बाकी तो वन को इससे कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो ये क्या होगा टू ए माइनस बी, टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों को अगर आप कंसिडर करोगे तो देन न्यूमेटर में कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स की टर्म का कोफिशियंट क्या बन जाएगा जीरो, तो उसके बाद सिंपल सी बात है ओनली क्या होगी एक्स स्क्वायर की टर्म, तो एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू टू, और उसके बाद जो हायर पावर है वो तो सारी बेटा जीरो की तरफ टेंड करने वाली है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा इसमें, भाई जब ये जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो क्या आ गया फोर टू ए, और इसमें एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो देखो दो टर्म लिखनी पड़ेंगे अपन को, माइनस बी ब्रैकेट वन को करना है इससे तो ये आ गया माइनस के हाफ, और इसमें वन को करना है एक्स स्क्वायर बाई टू से तो प्लस के वन बाई टू, और इक्वल टू टू वन टू, ये कैंसिल हो गया इससे तो ओनली ए इक्वल टू क्या गया बोलो वन, ए वन लोगे आप ए को वन पुट करने पे बी आपका टू होगा, और एक रिलेशन सीधा इसने दे रखा सेकंड ऑप्शन ऐसा मुझे विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ए वन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है, ए एंड सी आर इक्वल है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ए बराबर वन बी बराबर टू टू और सी बराबर वन, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर, तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा इसका। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं। ओके ये लिमिट हमको कैलकुलेट करनी है, देखिए वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्म है कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो अगर ये मैं यहाँ पुट करता हूँ देन इट विल बी जीरो टू पावर इनफिनिटी, करेक्ट। देखो बच्चों जीरो पावर इनफिनिटी जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है ना, जीरो पावर इनफिनिटी इज अप्रोच डेफिनेटली अप्रोचेस टू जीरो जीरो, तो ये काम तो यहीं खत्म हो गया, ये तो पक्का जीरो ही होगा। अब आ जाओ इसमें देखो ये बनेगा इन्फिनिटी पावर जीरो और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे लॉग की हेल्प लेंगे, यानी इस टर्म को जैसे हम एल मान लेते हैं, अब लॉग ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा लॉग एल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और इसका लॉग बन जाएगा एक्स लॉग वन बाई एक्स, जिसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो माइनस माइनस का लॉग एक्स। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस और माइनस लॉग एक्स अपॉन और फाइनली क्या मिलेगा देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे वन बाई एक्स का करोगे माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गए तुम्हें मिला एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स, तो फाइनली जीरो मिला, बट ये लॉग एल का वैल्यू राइट, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा वन ई पावर जीरो यानी कि वन, सो दैट विल टेंड्स टू वन सेकंड ऑप्शन, ये सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू सॉरी एन टेंड्स टू इनफिनिटी गिवन है, स्टेप एक्स प्लस टू एक्स का स्टेप डॉट डॉट एन एक्स का स्टेप अपॉन वन टू एन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और स्टेप इसमें जी आई फंक्शन बोला गया, तो देखो क्या करना है इसमें, इसमें एन आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये वैल्यू भी कहाँ टेंड करेगी इन्फिनिटी की तरफ, और न्यूमेटर का पार्ट भी क्या होगा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने वाला, तो जब भी लिमिट के क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो तो जनरली अपने पास टू मेथड होते हैं, एक तो पढ़ते अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टेप आ रहा है तो इसको अपन यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम से, ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम से इजीली कर सकते हैं, इसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जो स्टेप एक्स है इसकी वैल्यू ऑलवेज एक्स माइनस वन से एक्स के इक्विवेलेंट हो सकती है, क्योंकि इंटीजर लोगे तो एक्स अदरवाइज उससे लेस होगा वन, सिमिलरली टू एक्स के स्टेप को लिख सकते हैं अपन क्या टू एक्स माइनस वन से
स्टेप टू एक्स डॉट 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 लास्ट में जो टर्म है वो क्या एन एक्स का स्टेप। तो एन एक्स के स्टेप की वैल्यू क्या होगी, या तो ये एन एक्स हो सकता है इधर, और या फिर इधर एन एक्स माइनस वन। फिर आपको न्यूमेटर की बात करनी तो क्या करो, कॉरेस्पॉन्डिंग ईच टर्म को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब सबको ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स प्लस टू एक्स डॉट 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 एन एक्स। तो इन सब में एक्स तो कॉमन, तो वन से लेके एन का सम एन ओ एन प्लस वन बाई टू, और माइनस वन को एन टाइम्स जो माइनस करोगे तो क्या गया बोलो माइनस एन लेस देन। ये न्यूमेटर में क्या गया क्वेश्चन, स्टेप एक्स प्लस टू एक्स डॉट डॉट डॉट, स्टेप एन एक्स, और उसके बाद देखोगे लेस देन इक्वल टू अगेन एक्स प्लस टू एक्स डॉट डॉट एन एक्स। तो एक्स कॉमन तो ये होगा एन एक्स ऑफ एन प्लस वन बाई टू। अब इतना आने के बाद देखो अपन को ये क्वेश्चन लाना है, तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी अपॉन में, इससे डिवाइड करना है। तो दिस इज एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू, मतलब ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू। तो इसमें डिवाइड करोगे तो ओनली एक्स आ गया, माइनस एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू करने पे क्या आ गया एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एन प्लस वन लेस देन। ये आपका अपॉन में कंप्लीट क्वेश्चन आ गया, इसको लेट कर लेते लेट बाई लेस देन इक्वल टू अगेन इसमें एन ऑफ एन प्लस वन बाई टू से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आ गया बोलो एक्स होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात करोगे तो सब में जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे बेटा तो ये तो कांस्टेंट फिक्स है और टू अपॉन इन्फिनिटी जीरो होगा। तो एक्स लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्वेश्चन वाई इज लेस देन एक्स, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या एक्स से एक्स तक है। तो इसका जब स्टेप लोगे सॉरी तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी बोलो एक्स लेट करनी है अपन को, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो मैं ना मतलब इस तरह के सवालों में ना सब कई बार ना ये अप्रोच बड़ी हेल्प कर जाती है कि भाई जैसे जैसे एक्स ना इन्फिनिटी की तरफ जाता है राइट, बॉक्स एक्स और एक्स ये जो टर्म है दोनों के बीच में हम जानते हैं डिफरेंस जो है ना वो वन से छोटा ही होता है ना। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे देन इट विल डेफिनेटली अप्रोचेस टू वन। जैसे जैसे बड़े नंबर लेता जाऊंगा, जैसे आप 200 मतलब 200.5 लीजिए तो 200.5 और 200 का रेशियो निकालेंगे दैट इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। पर और बड़ा नंबर लेके देखिए बिकॉज इनफाइनाइट इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो जितना लार्ज करते जाएंगे 1 के क्लोज होता जाएगा। इवन x टेंड्स टू इंफिनिटी देन आप बॉक्स x को x ले सकते हो राइट। इसको यूज करके ना कई बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अब मैं इसको यहाँ लगा दूँ क्योंकि हर एक बॉक्स के अंदर इनफाइनाइट बन रहा है, तो ये बॉक्स अगर हम रिमूव कर दें तो सीधे ही एक्स कॉमन आएगा और सब कैंसिल आउट होके आंसर। तो वैसे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में जैसे एक्स को वन लोगे तो ऑल ऑप्शंस डिफरेंट होंगे इसमें एक्स को वन लेने पे। तो फटाफट एक्स को वन पुट कर दो उसमें तो सबका स्टेप आ गया ना वन टू, तो सीधा डिपेंड ही तो कर रहा है। हां एन पे डिपेंड है तो ऐसे भी कर सकते हो। हां चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके देखो ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए तो दिखाई दे रहा होगा आपको अंडर रूट में, अंडर रूट है तो हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x और अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 cos x cos x और ऊपर बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos x cos x और अंडर रूट 1 माइनस cos x क्या हो जाता है भाई, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x / 2। तो उसका रूट लूंगा मैं तो मुझे मिलेगा रूट 2 sin x / 2। अगर ऐसा लिख दिया तो पक्का गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मोड लगाना है ना। और ये x में यहाँ नीचे लिख लेता हूँ साथ में, इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूँ देन इट विल बिकम 2 रूट 2 रूट 2। तो उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, जनरली हमें आपत्ति उस टर्म से होती है जो मल्टीप्लीकेशन में 0 या इन्फिनिटी बना। yes. तो ये कैंसिल आउट हो जाने से अब एक काम करते हैं 2 यहाँ लगा देते हैं, 2 यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये तो खत्म, ये बन गया 1 बाई 2 और लिमिट x थीटा टेंड्स टू 0 मॉड साइन थीटा अपॉन थीटा राइट, वेयर थीटा मैंने ले लिया है x / 2 को। और अभी ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने किया होगा, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि जब हम इसमें LHCl निकालेंगे दैट विल बी -1, RHCl निकालोगे 1 दैट विल बी 1, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जिसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो वो एक बार ये देखते हैं कि एक्स को जीरो पुट करने पे कौन सी फॉर्म होगी। तो जीरो पुट करने पे जीरो, तो दिस इज टू, दिस इज ऑल्सो टू, तो टू माइनस टू जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। बिल्कुल। तो इसमें सिंपल ऑप्शन यही कि सीधा एल एच रूल लगा दो, फटाफट आंसर जाएगा, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या करना है इसमें, अपन एल एच रूल लगा देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसमें एक्स वेरिएबल है, तो ये एक्स की पावर एन की फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो वन अपॉन एम टू की पावर एम प्लस एक्स, मतलब एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वन अपॉन एम माइनस वन, इसका तो जीरो होगा और एक्स का वन। सिमिलरली माइनस वन अपॉन एन टू की पावर एन प्लस एक्स की पावर दिस पार्ट माइनस वन, और अगेन जब ब्रैकेट की बात करोगे तो इसका जीरो और इसका वन, तो मल्टीप्लाई वन होगा और अपॉन में एक्स का क्या आ गया वन। अब सिंपल लिमिट पुट कर दो तो इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या आ गया देखो, वन बाय एम जीरो लेने के टू की पावर एम इंटू दिस पार्ट, क्योंकि जीरो आ गया तो टू की पावर वन माइनस एम, क्योंकि एलसीएम लोगे तो एम कैंसिल। सिमिलरली माइनस वन बाय एन टू की पावर वन माइनस एन, अब टू की पावर माइनस एन को डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, इधर भी 2 की पावर माइनस एम को डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो देन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। यहां देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x, मतलब इसको कैलकुलेट करें पहले। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो मैं लॉग ले लेता हूँ, इसको एल ले लेता हूँ पहले, तो मुझे मिलेगा लॉग एल व्हिच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी और एक्स इनटू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स। अगली स्टेप में इस एक्स को यहाँ से हटा के आप यहाँ लिख लो ऐसे, और अब देखिए व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी दिस विल टेंड्स टू जीरो, तो ये लॉग वन प्लस टी अपॉन टी, टी टेंड्स टू जीरो, तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना होता है, यानी एल का वैल्यू आ गया बच्चों, यानी अब इसको अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो पाऊंगा कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दिस विल बिकम ई, तो ये ई अपॉन ई यानी वन को टेंड करेगा और लिमिट इस ऊपर जो पावर है इसकी दैट विल अप्रोचेस टू इनफिनिटी, तो ये अगेन वन पावर इनफिनिटी फॉर्म होगा। तो इसको भी इसी तरह से हैंडल कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू एम, और अब दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग एम बराबर आएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स लॉग ऑफ e upon 1 plus 1 by x e power x, okay, अब इसमें log a minus b वाला formula लगा लेते हैं, so limit x tends to infinity x, ये बन जाएगा log e 1 minus log of this term, that can be written x log 1 plus 1 by x, आइए इसको थोड़ा और easy बनाने के लिए मैं x की जगह 1 by एच पुट कर देता हूं, ताकि लिमिट जो अपनी टेंड्स टू जीरो हो जाए और कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हमें यहां पे दिख पाए। तो देखिएगा कैसा दिखा, यहां 1 बाय एच हो जाएगा, मतलब ये सिंपलीफाई होकर ऐसे बना देगा एच माइनस लॉग 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय एच और एक एक्स, ये भी बन जाएगा 1 बाय एच, तो ये ऐसा टर्म होगा। और अब आप इसमें लॉग का एक्सपेंशन लगा दीजिए, यस, अगर आपको याद है तो आप सीधे यहाँ देख सकते हैं क्या आंसर आएगा, तो ये स्टेप होती है कुछ, yes. कैंसिल आउट हो गए, एच स्क्वायर से डिवाइड करके लिमिट लगाएंगे, देन वी गॉट हाफ, तो ये लॉग एम का वैल्यू आया है हाफ, तो एम का वैल्यू क्या हो गया, ई की पावर ई टू द पावर हाफ, यानी के थर्ड आंसर जो है वो सही होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए साइन एक्स का स्टेप प्लस बी टेन एक्स अपॉन एक्स की स्टेप की वैल्यू को कैलकुलेट करना। देखो क्या करना है इसमें, इसमें फटाफट ये मत करना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स वन होगा, क्योंकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स टेंड्स टू वन है, ये एग्जैक्टली वन नहीं होता, जब भी स्टेप की बात करो और अंदर का पार्ट अगर इंटीजर है तो आपको ये चेक करना है कि जो टेंड्स टू वन है वन से जस्ट ग्रेट होगा वन से जस्ट लेस। तो देखें ये आपको पता होगा कि एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस की बात करोगे बेटा तो साइन एक्स और एक्स में ऑलवेज एक्स को ग्रेटर लेते हैं, ठीक है, आप डायग्राम से देख सकते हैं, हाँ
तो साइन एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स एन ऐसे ओनली जीरो पे टच करके इधर ऊपर से निकलती इधर नीचे की तरफ बनती है, ठीक है। तो जीरो प्लस पे साइन एक्स लेस देन एक्स, एक्स आपका पॉजिटिव है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स होगा लेस देन वाई। सिमिलरली अगर एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस की बात करोगे तो इस बार साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स करोगे, बट जब एक्स को डिनोमिनेटर में लोगे तो एक्स जीरो से लेस है तो इनइक्वलिटी का साइन आप चेंज करोगे, ठीक है। मतलब इससे पता चल गया कि एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस लो जीरो माइनस, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन से जस्ट लेस होगी, ठीक है। और इसको ए आपका पॉजिटिव है तो ए से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए हो गया और इधर भी ए आ गया, इसका मीनिंग ए साइन एक्स का जो स्टेप है वो ए से जस्ट लेस इंटीजर, तो क्या होगा ए माइनस वन, इसकी वैल्यू तो मिली आपको ए माइनस वन। सिमिलरली टेन एक्स अपॉन एक्स की बात करोगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्स टेंड्स टू टेन एक्स का डायग्राम आपको पता है ऐसे बना दिया, और जो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है वो ऑलवेज डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब जीरो पे इसको कर दो, हाँ सॉरी, तो इस बार रिवर्स करना है इसको कि इस बार टेन एक्स ऑलवेज एक्स से ग्रेटर होगा, मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस पे टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स, तो इस बार आ गया टेन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन, जब इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी, इस बार बी टेन एक्स अपॉन एक्स का जो स्टेप है वो बी से जस्ट ग्रेटर, तो उसका जब स्टेप लोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी बी, ठीक है। जीरो माइनस पे भी रिवर्स करना तो अगेन वो टेंड्स टू बी होगा, तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी माइनस वन, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी tan स्क्वायर, और ये सब आपके सामने देखो। अभी अगर इस टर्म को देखें है ना, तो ये देखिए ये तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और zero. ये जो है दैट विल अप्रोच इज टू जीरो, ये इंफिनिटी इनटू जीरो फॉर्म है, राइट। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे जीरो बाय जीरो फॉर्म में, सिंपलीफाई करने के लिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, और देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना इस टर्म को कॉमन ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन, तो कॉमन यहाँ बचेगा एक्स टू द पावर वन बाई एन माइनस दिस, जो कि बन जाएगा वन अपॉन एन एन प्लस वन माइनस वन, ओके बच्चों। और ये एन स्क्वायर है ही हमारे पास, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो पावर है यही पावर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और इसको एडजस्ट करने के लिए डिवाइड यहाँ भी ले लेते हैं स्क्वायर से, देखो ये स्क्वायर तो इससे खत्म हो गया, ठीक है। और अब मैं लिमिट लगा देता हूँ एन टेंड्स टू इनफिनिटी, तो देखिए इस टर्म का क्या होगा, समथिंग पॉजिटिव टू द पावर इनफिनिटी जीरो टू द x is greater than 0 है, और इसकी पावर जो है वो 0 को अप्रोच हो रही है, सॉरी 1 by infinity मतलब 0 को अप्रोच हो रही है, सो दिस विल बिकम 1। और ये जो टर्म है देखो ये पूरी की पूरी बन गई है स्टैंडर्ड लिमिट, ये वाली a पावर x minus 1 upon x x tends to 0 पर क्या बनती है ln log, तो ये पावर है यहां पे, और when n tends to infinity this will tends to 0 0, तो ये x पावर 0 minus 1 upon 0 वाला फॉर्म हो गया, तो दिस विल बिकम log x, इधर ही आपको नजर आ ही रहा होगा, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इस तरह से कन्वर्ट होगा, तो व्हेन n टेंड्स टू इनफिनिटी दिस विल अप्रोचेस टू 1 बार, तो कुल मिला के आंसर आया ln log x, थर्ड ऑप्शन ये log x है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, दी वैल्यू दिस पार्ट इन, देखो कैसे करना है, जैसे अपन इसमें लिमिट पुट करते हैं पाई बाय 2 cos pi by 2 0 to 1 2 की पावर 0 1 अप टू n की पावर 0 1, मतलब ये 1 1 आपका n टाइम्स ऐड होगा तो n by n is 1 और ये आ गया 1 upon 0 is infinity, मतलब ये अगेन 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म है, तो जब भी 1 की पावर इनफिनिटी फॉर्म हो तो सीधा शॉर्टकट यूज करो, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पावर को मल्टीप्लाई में लिखें और जिस बेस में से 1 माइनस करना है, तो जो 1 माइनस करोगे ना तो माइनस एन कर दो सीधा, मतलब 1 की पावर cos स्क्वायर x प्लस 2 की पावर cos स्क्वायर x डॉट 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 n की पावर cos स्क्वायर x माइनस n अपॉन n। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो माइनस n है ना इसमें 1 1 सबट्रैक्ट कर दो n टाइम्स, इसके साथ एडजस्ट करोगे तो देखो क्या आ गया e की पावर लिमिट
एक्स टेंस टू पाई बाई टू, इस कोस स्क्वायर को भी डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये आ गया वन वन की पावर कोस स्क्वायर एक्स, एन में से एक माइनस लो, ऐसे लिखो इसको, ठीक है, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टू की पावर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में होगा एन की पावर कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और अपॉन में आ गया बेटा कि एन तो लिखना ही है, और साथ के साथ होगा कोस स्क्वायर एक्स। अब आप देखो एक्स को जब पाई बाई टू पुट करोगे तो ये जो सर ने बताया था लास्ट क्वेश्चन में एज इट इज फॉर्म होगी, ए की पावर जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, मतलब ये लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जीरो पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एल एन ए, तो दिस अपॉन दिस भाई कोस स्क्वायर से सबको सेपरेट डिवाइड करो, तो दिस अपॉन दिस की वैल्यू टेंस टू एल एन वन, दिस अपॉन दिस एल एन टू, अगले में एल एन थ्री और डॉट डॉट एल एन एन, और वन बाई एन तो लिखने लिखना आपको, तो ये आ गया e की पावर, इसमें आ गया एल एन वन प्लस अगले में एल एन टू लिखना है, डॉट 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 दिस इज एल एन ऑफ एन अपॉन एन, और एल एन वन एल एन टू एल एन एन इन सबको एडिशन में तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, तो एल एन ए बी सी डी, तो ये बन गया बेटा फैक्टोरियल एन, तो ये आ गया e की पावर वन बाई एन एल एन फैक्टोरियल एन। अब आपको पता है प्रॉपर्टी सिक्स से अपन इसको इंटरचेंज करेंगे बेटा, तो ये तो आ गया फैक्टोरियल एन की पावर वन बाई एन, और एल एन ई की वैल्यू क्या होगी वन, तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल एन की पावर वन बाई एन। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ सी लिमिट ऑफ दिस इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी और लिमिट क्या होगी। देखो x टेंस टू इंफिनिटी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगा कि आप इसमें x की जगह 1/h डाल दिया करो, क्योंकि अपनी जो मोस्टली स्टैंडर्ड लिमिट है वो टेंस टू 0 पे होती है, तो वो अपने को नजर आ जाएगी यहां पे। अब ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिमिट h टेंस टू 0, हां जी ये यहां पुट करी, एलसीएम ले लीजिए, तो ये बनेगा 1 + 7h + 2h पावर 5 होल पावर c डिवाइडेड बाय h टू द पावर 5c माइनस 1/h, ऐसा बन जाएगा कुछ। ओके, अब यहां देखो हम लोग ना अगर इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, तो इस टर्म को देखो 1 और इसको पूरे को t मान लो, राइट, ये जो h टेंड्स टू 0 पे इट इज आल्सो अप्रोचिंग टू जीरो, ये बहुत नेसेसरी है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हो तो ये टर्म जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं देखो बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फर्स्ट टर्म 1 + nx है ना, n का वैल्यू यहां c है और x का मतलब है 7h + 2h पावर 5 + आगे की टर्म लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, डिवाइडेड बाय h पावर 5c और माइनस 1/h। अब यहां से सोचना शुरू करेंगे हम, देखिए इफ यू पुट h टेंड्स टू 0 हियर दिस टर्म विल बिकम इंफिनिटी, राइट, तो ये टर्म हमें हटानी होगी, और ये टर्म देखो कब कैंसिल आउट हो सकती है, इसको सेपरेट करो, यहां पे 1 अपॉन h पावर 5c बनेगा, तो ये टर्म यहां से तभी गायब होगी जब 5c का वैल्यू क्या हो गई 1 हो गया, ये एक अपने को मिल गया कि c का वैल्यू 1/5 होना चाहिए। अब इसमें दो ऑप्शन है लेकिन, तो इसलिए आगे कभी करना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूं 5c की जगह 1, तो ये हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 + c का वैल्यू 1/5 पुट करेंगे आप, तो 7/5 h + 2/5 h पावर 5, आगे h की और भी हायर पावर आएगी। अब देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई इस, यस, अब h से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहां बचेगा 7/5, बाकी सब टर्म में h होगा, तो जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे दैट विल टेंड्स टू 0, तो फाइनल आंसर इज 7/5, तो 1/5 7/5 1/5 c का वैल्यू 7/5 लिमिट का वैल्यू, और ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए,
लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय रूट 2 x माइनस cos sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस tan sin इनवर्स। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब 1 बाय रूट 2 पुट करोगे ना तो ये पाई बाई 4 cos पाई 4 1 बाय रूट 2 और ये भी 1 बाय रूट 2 मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म है। तो देखो ऑप्शंस क्या है इसका बेटर ऑप्शन, ये sin इनवर्स x है तो अपन एक काम करते हैं इसमें यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। आप पुट करो x को sin थीटा, पुट x इक्वल टू sin थीटा, तो x को जब sin 1 बाय रूट 2 लोगे तो देन थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4, थीटा भी पाई बाय 4 की तरफ टेंड करने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos ऑफ sin इनवर्स sin थीटा और अपॉन में होगा 1 माइनस tan ऑफ sin इनवर्स sin थीटा। अब आप ये देखो sin इनवर्स से sin को कैंसिल कर सकते हैं बट कंडीशन है कि थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात ये कि जब थीटा को पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर लोगे जस्ट लेस लोगे पाई बाय 4 हां सॉरी पाई बाय 4 से जस्ट लेस लोगे जस्ट ग्रेटर लोगे प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू के बिटवीन लाइक करने वाला है तो अपन sin इनवर्स से sin को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ थीटा। अब उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल है, देखो ये sin माइनस cos है तो tan थीटा को sin अपॉन cos तो sin अपॉन cos तो cos इधर और cos मल्टीप्लाई में मतलब ये आ गया cos थीटा माइनस sin थीटा तो जो माइनस कॉमन लोगे तो कैंसिल तो फाइनली आ गया माइनस के cos थीटा और थीटा को पाई बाय 4 पुट करोगे तो cos माइनस तो माइनस के 1 बाय रूट तो इसका सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ये देखिए लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है, ये थोड़ा सा जल्दी सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है पहले उससे बात कर लूँ मैं। x टू द पावर n अपॉन e पावर x लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी पे जीरो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है याद रखने वाली बात भी है, नहीं भी बताया तो हम अभी बता देते हैं। देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप इसमें अगर एल एच रूल अप्लाई करें और कितनी बार करना पड़ेगा भाई n टाइम्स, तो हर बार डिफरेंशिएशन से यहाँ की पावर कम होती जाएगी तो n टाइम डिफरेंशिएशन पे ऊपर बचेगा फैक्टोरियल n और नीचे यही रहेगा। यस तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इट विल बिकम फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी सो दैट विल अप्रोचेस टू जीरो, तो ये चीज यहाँ यूज होने वाली कैसे, तो आइए देखिए पहले इसको एल को कैलकुलेट करते हैं। तो L में भाई लिमिट है ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ओके जगह का मतलब हम लिख नहीं रहे हैं हमको पता है ना। अब मैं इस टर्म को ऐसे लिख लेता हूँ log ऑफ यहाँ से e पावर x कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर अपॉन e पावर x प्लस 1 इंटू e पावर x, ये पूरा का पूरा log में डिवाइडेड बाय log ऑफ यहाँ से कॉमन ले लेते हैं e पावर 2x तो x पावर 4 अपॉन e पावर 2x प्लस 1 इंटू ई पावर 4x, लॉग वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं है ना, और इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन ई पावर x प्लस x x लॉग ई पावर x विल बिकम x अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर ई पावर x का होल स्क्वायर और प्लस 4x ई पावर ये e पावर 2x है सॉरी 2x और लिया था तो 2x ना हो चुका ऐसा कुछ। अभी देखिए अभी अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ ना तो ये टर्म जो है दैट विल बिकम log 1 यानी 0 और ये इंफिनिटी बना रही है, सिमिलरली ये 0 ये इंफिनिटी बना रही है तो क्या करूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, इससे x से डिवाइड कर लेते हैं इसको तो ये बन जाएगा log ऑफ दिस अपॉन x प्लस 1 और ये बनेगा log ऑफ दिस अपॉन x प्लस प्लस 2। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो है 0 ये है इंफिनिटी तो 0 बाय इंफिनिटी विल बिकम 0 सो ऊपर बचेगा बच्चों 1 और सिमिलरली नीचे ये 0 बनेगा 2 तो l का वैल्यू आएगा अपने पास हाफ। ओके अब हम देखते हैं कि टेंस टू माइनस इंफिनिटी पे चीजें कैसे चेंज हुई, तो एक बार इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ ठीक है। अब हम अच्छा ये याद रखना l का वैल्यू कितना है अपने पास हाँ।
अब आता है लिमिट x टेंस टू माइनस इनफिनिटी m इज इक्वल्स टू, यही फंक्शन है साहब, पर इस बार हमको अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। देखो तो मैं शुरू हो जाता हूँ यहीं पे समझाना आपको, पिछली बार मैंने e पावर x कॉमन लिया था, इस बार मैं x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा देखिए e पावर x अपॉन x स्क्वायर और प्लस वन और x स्क्वायर, यस डिवीजन में यहाँ आ जाइए log x को कॉमन और x पावर 4 कॉमन ले लूंगा तो e पावर 2x अपॉन x पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 2x x पावर 4। अब इसमें log सेपरेट कर लेते हैं तो log ऑफ e पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 log mod x, ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे log e पावर 2x अपॉन x पावर 4 प्लस 1 और प्लस 4 log mod x। अब अगर मैं यहां देखो लिमिट अप्लाई करता हूं, अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है हम लोगों ने ये क्यों लिया है इस बार, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे बनाता e पावर x अपॉन x स्क्वायर और x टेंस टू डालता माइनस इनफिनिटी तो ये तो इनफिनिटी होता, ऊपर हो जाता e पावर माइनस इनफिनिटी 0 माइनस इनफिनिटी, सो दैट विल बिकम 0 अपॉन इनफिनिटी व्हिच इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से ऐसा लिया है कि जीरो बन जाए ना, अगर इसको उल्टा लेता मैं पिछली बार की तरह x स्क्वायर अपॉन e पावर x तो इस केस में वो क्या बनता इनफिनिटी। तो अब देखो ये है log, ये जीरो बन जाएगा लिमिट लगा दे log 1 तो ये टर्म जीरो बन रही है और ये बनेगा log 0 दैट विल अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी, यस तो 0 इनफिनिटी 0 इनफिनिटी ऐसा पैटर्न है। तो इस बार क्या करो log mod x से डिवाइड करो, यस ओके, और log of e power x upon x square plus 1 upon log mod x plus 2 और सिमिलरली यहाँ 4 और यहाँ अपने आप समझ जाइए this divided by this है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा ये इंफिनिटी, सो फाइनली दिस विल बिकम 0, यस कुल मिला के 2/4 यानी कि हाफ ही आएगा, पिछली बार भी हाफ ही आएगा, सो योर आंसर इज फर्स्ट l बराबर है m के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी e की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस पाई पाई। अब इसमें देखो कैसे करना है, x को जब इनफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इनफिनिटी 0, मतलब ये e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको 1 पुट कर सकते हो सर स्टैंडर्ड लिमिट में। तो क्या किया मैंने इसमें, इस tan इनवर्स x स्क्वायर को पहले cot इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसको लिखना पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल तो ये आ गया बच्चों माइनस 2 कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, x आपका इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो cot इनवर्स x स्क्वायर को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाय x स्क्वायर, तो ये भी एक क्या बनेगी स्टैंडर्ड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी इसको लिखो e की पावर 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसको 1 अपॉन x स्क्वायर से करो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अपॉन की बात करोगे तो इसमें भी क्या करना है, इसको लिखना है tan इनवर्स 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स 1 बाय x स्क्वायर, और इसमें भी क्या करना है क्योंकि x को इनफिनिटी लेने पे ये tan इनवर्स 0 की तरफ टेंड करेगा तो इसमें भी 1 अपॉन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखो x टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये 0 ये भी 0 तो ये कौन सी फॉर्म बनी, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x तो ये वैल्यू क्या होगी 1, और सिमिलरली x टेंड्स टू 0 पे tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो ये भी दोनों 0 की तरफ क्या करते हैं अप्रोच, तो ये भी वैल्यू 1 होगी, दिस पार्ट ही 1 होगा और 1 अपॉन x स्क्वायर से 1 अपॉन से कैंसिल आउट तो देन इसकी वैल्यू होगी माइनस के हाफ, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 15 क्वेश्चन क्या है। ओके इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज दे रखी है तो पहले तो हमें उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, कॉन्सेप्ट यह है कि भाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखा ही होगा आप लोगों ने, 2 tan थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको रेसिप्रोकल अगर मैं कर लूं तो ये बनेगा कॉट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टेन थीटा। इस 2 को बच्चों इधर ले आओ तो 2 कॉट 2 थीटा कैन बी रिटन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। और यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाती है कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले से अगर आप इसकी हर स्टेप में ये फॉर्मूला लगा दें तो देखिए कैसे सीरीज सॉल्व होती है। ब्रैकेट के जो अंदर वाली टर्म है पहले एक बार उसको ले लेते हैं, या चलो पूरी ले लेते हैं, लिमिट नहीं लिख रहा हूं ना, वो लास्ट में अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म तो हो गई कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा प्लस हाफ। अगली टर्म हो गई कॉट थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉट थीटा थीटा, राइट। अगली टर्म हो जाएगी 1/4 और कॉट थीटा बाई 4 माइनस 2 कॉट थीटा बाई 2। ऐसे चलते जाइए अब लास्ट टर्म पे आ जाते हैं। ये हो जाएगी कॉट थीटा अपॉन 2 पावर n माइनस 2 कॉट थीटा अपॉन 2 पावर n माइनस 1। इसका डबल करना है एंगल ऐसे। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये टर्म देखो प्लस के कॉट थीटा और ये देखिए हाफ या मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट थीटा कैंसिल आउट होगा। ऐसे ये टर्म देखिए हाफ कॉट थीटा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस के हाफ कॉट थीटा बाई 2, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ऐसे हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म अगले ब्रैकेट की लास्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो एट लास्ट ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, देखिए आपके पास बचा थीटा मल्टीप्लाई विद एक तो ये टर्म बच गई राइट 1/2 पावर एन कॉट थीटा बाई 2 पावर एन माइनस एक बच गई ये टर्म 2 कॉट 2 थीटा 2 थीटा। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन वाली लिमिट लगा रहा हूं तो एन केवल इस टर्म में ही तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको मैं साइड में लिख देता हूं 2 थीटा कॉट 2 थीटा, चाहो तो उसको नीचे लिख के ऐसे लिख लो टेन 2 थीटा। यस यहां इस टर्म को ऐसे लिख देता हूं टेन थीटा अपॉन 2 पावर एन, ओके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। इधर ये थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर रह गया थीटा अपॉन 2 पावर एन। यस और अब देखिए बच्चों अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं तो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी दिस विल अप्रोचेस टू 0 तो ये एक्स अपॉन टेन एक्स एक्स टेंड्स टू 0 ये वाला पैटर्न हो गया दैट इज 1 दैट विल अप्रोचेस टू 1। अब ये ऐसा बन गया। अब इसमें लिमिट लगा देता हूं थीटा टेंड्स टू 0 तो अब यहां पर ये लिमिट जो है ये अगेन 1 x upon tan x वाला पैटर्न x tends to 0 पे 1 होता है सो दिस विल बिकम 1 minus 1 एंड फाइनली हुआ 0 सो द राइट आंसर विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लिमिट x tends to 1 दिस पार्ट। तो देखो एक बार लिमिट को पुट करके देखते हैं इसमें तो पावर में पुट करोगे तो 1 minus 1 0 cos 0 1 तो ये तो 0 by 0 फॉर्म में न्यूमरेटर पावर फॉर्म में ठीक है। और 20 की बात करोगे तो इसमें तो 1 पुट करने पे 3 4 5 अपॉन 6 मतलब ये तो फाइनाइट वैल्यू है आपकी तो बस आपको ओनली इस पावर को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको अपन सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसका बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी 1 के साथ cos हो तो पहले cos 1 को कैंसिल करते हैं तो इसको लिखना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 दिस इज 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2। अब देखो सिंपल सी बात ये है x को 1 लेने पे ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करो। x माइनस 1 का स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इसका मीनिंग क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर ये है ठीक है अपॉन में 1 बाई 4 से आपने डिवाइड किया है तो उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ठीक है। तो x टेंड्स टू 1 पे साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर तो ये तो 1 हो गया तो ये वैल्यू मिली आपको 1 बाई 2 ठीक है। और इसकी वैल्यू तो क्या आई थी अभी 5 बाई 6 की पावर हाफ तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस ये लिमिट आपको कैलकुलेट करनी होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ओके
देखो ये बड़ा मजेदार सा सवाल है ना, ये तो वन है क्या, इसको तो ऐड कर ही लेंगे। ये टर्म है सबसे इम्पोर्टेंट। इस टर्म को देखिए पहले तो ऐसे समझिए कि क्या लिखा हुआ है, कॉस एन फैक्टोरियल है ना इनटू पाई एक्स, एक्स और पाई ये सब ऐसे, और उसकी पावर टू एन, तो उसको ऐसे समझ लो कि स्क्वायर है और उसकी पावर एन है, एन एन ऐसा कुछ। ओके अब मुझे दो केस में बात करनी है, व्हेन एक्स इज रैशनल व्हेन एक्स इज इरेशनल। तो फर्स्ट केस लेता हूँ, केस वन, मान लेते हैं कि एक्स इज रैशनल है। रैशनल होने का मतलब यू कैन राइट एक्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड क्यू मस्ट बी एन इंटीजर, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलो लिख देते हैं, तो ये हो गया कॉस और एन फैक्टोरियल पी बाई क्यू और पाई, उसकी पावर टू और उसकी पावर एन। ठीक है बच्चों, अब सोचना शुरू होता है, जैसे ही मैं लगाऊंगा लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, ये लिमिट अप्रोच करें, तो ये एन फैक्टोरियल क्या है, एन फैक्टोरियल वन टू थ्री फोर राइट अप टू एन तक। अब अगर आप एन टेंस टू इनफिनिटी लगा लेते हो तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इनफिनिटी तक हो गया। तो ये क्यू भी तो इंटीजर है, तो वन से लेके इंफिनिटी तक हम जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें क्यू कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। यानी इस केस में व्हेन एन इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, चाहे क्यू कुछ भी क्यों ना हो, ये पक्का इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। और इसको डिवाइड करते ये जो सारा टर्म है ये सब टर्म क्या बन गई, इंटीजर, इंटीजर बन जाएगी, क्योंकि पी ऑलरेडी इंटीजर, एन फैक्टोरियल में सब इंटीजर ही आते हैं, चाहे इनफाइनाइटली लार्ज क्यों ना हो पर है सब इंटीजर। तो ये पाई का इंटीजर मल्टीपल हो गया, पाई के इंटीजर मल्टीपल पे कॉस का वैल्यू आता है आइदर प्लस वन और माइनस वन, यानी ऐसे बन गया प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर उसकी पावर एम, एंड दैट विल डेफिनेटली इक्वल टू वन। तो ये वन बन जाएगा, तो टोटल मिला के टू बन गया, यानी जब एक्स रैशनल होगा तो लिमिट आएगी टू टू, ये पहला ऑप्शन सही है। अब इरेशनल की बात करते हैं, देखिए अगर एक्स इरेशनल है, सुनना ध्यान से, अगर x इरेशनल है तो ये जो टर्म होगी, ये टर्म, ये इंटीजर कभी नहीं बनेगी, ये पक्का नॉन इंटीजर होगी, कारण क्योंकि ये तो इंटीजर है और ये इरेशनल टर्म है। तो एक नेचुरल नंबर को अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल ही आएगा। यस ओके, तो ये नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर मल्टीपल है ये पाई का, तो पाई के साथ अगर कोई नॉन इंटीजर है तो वहां पे कॉस का जो वैल्यू आएगा, cos of theta जो होगा, that is definitely lying between minus one to one, one और minus one नहीं होगा, उनके बीच में कहीं होगा। तो अगर मैं उसका square करूँगा, तो वो zero से one के बीच में होगा, और फिर उसकी power m जो है, that is approaching to infinity। Yes। तो कोई भी number जो zero से one के बीच में हो, अगर उसकी power infinite को approach करती है, then result will be approaches to zero zero। तो ये टर्म इस केस में क्या होगी, जीरो को अप्रोच करेगी, तो बस ये वन ही बच गया फिर। तो आपका आंसर हो गया कि वन होगा व्हेन एक्स इज इरेशनल, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो आपका वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18। लिमिट एक्स टेंड्स इनफिनिटी दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू, देखो क्या करना है इसमें, देखो इनफिनिटी पुट करने पे ये इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन तो क्या हो सकता है कि जैसे लेट आप इसमें से दिस पार्ट को कम्प्लीटली कॉमन लो, तो ये तो सीधा आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये तो सीधी वैल्यू जीरो बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि टेन वर्स इन्फिनिटी फाइव बाई टू और अपॉन इन्फिनिटी जीरो, और बाद में इसमें अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या इसको भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उससे सिंपल मेथड क्या है, आप क्या करो, इस टेन वर्स दिस पार्ट को कन्वर्ट करो cot inverse में, क्योंकि cot inverse infinity की value को सीधा zero use कर सकते हैं, ऐसे उसमें भी tan inverse को भी करना है cot inverse में convert, तो ये आ गया limit x tends to infinity x plus 2009 और इसको लिखना है pi by 2 minus cot inverse x plus 2009, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करोगे तो माइनस ऑफ x प्लस 2008
तो ये भी होगा 5/2 माइनस cot इनवर्स दिस ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जब x को पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी x को पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई एक्स बाई टू से माइनस पाई एक्स बाई टू, तो क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनिट, अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, आ गया 2009 पाई बाई टू माइनस 2008 पाई बाई टू, तो ये आ गया ओनली पाई बाई टू, मतलब आपने इन बोथ टर्म को ओनली पाई बाई टू से मल्टीप्लाई, इन बोथ टर्म को ओनली पाई बाई टू से मल्टीप्लाई, तो इसका रिजल्ट तो आ गया पाई बाई टू। अब क्या करो, दिस पार्ट को दिस पार्ट से कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस कोट इनवर्स दिस इनटू दिस। अब एक बात सुनो, एक्स आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, तो कोट इनवर्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/10 x, तो ये आ गया माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1/x प्लस 2009। और देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको भी डिवाइड में लिखोगे तो क्या आ गया 1/ दिस पार्ट आएगी, ठीक है ना। सिमिलरली दिस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो प्लस, और इसमें भी एक सेम थीम होगी कि x इन्फिनिटी पे कोट इनवर्स के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x प्लस 2009/1 दिस पार्ट। और उसके बाद तो देखो x को इन्फिनिटी लेने पे 1/इन्फिनिटी जीरो और ये भी जीरो, मतलब ये दोनों जीरो की तरफ टेंड करते हैं तो टेन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 1, और इसमें भी सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा पाई बाई टू। तो इसमें इसने पूछा गया कि नॉट द इक्वल टू की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, तो इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपको टिक करना था। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ एफ ऑफ एक्स, आई थिंक ये वन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स, मेरी चारों लिमिट में से बताइए कौन कौन सा सही है। ओके देखो बच्चों, कॉट एक्स का ग्राफ देख लो एक बार थोड़ा सा, ये जीरो पाई बाई टू और ये पाई, पाई बाई टू पे लेना से ऐसा ग्राफ आता है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस ई टू द पावर बॉक्स ऑफ कॉट एक्स, देखिए पाई बाई टू प्लस मतलब पाई बाई टू से थोड़ा ज्यादा, यानी राइट साइड से अप्रोच करें अगर हम पाई बाई टू को, इधर से अप्रोच करेंगे तो आप देखिए वैल्यू को, जैसे जैसे x टेंस टू पाई बाई टू होगा cot x विल टेंस टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन देखिए जीरो से नीचे मतलब ये जो ग्राफ है ये इसके नीचे, तो यहाँ पे cot x की वैल्यू नेगेटिव है पाई बाई टू के आगे, तो वो जीरो को अप्रोच तो करेगा बट जीरो से छोटा होगा, मतलब जीरो के बहुत क्लोज जा सकता है बट जीरो नहीं, तो जीरो माइनस मतलब जीरो से स्लाइटली भी छोटा हुआ तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो हो गया माइनस, तो ई पावर माइनस वन यानी वन बाई ई होना सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अगले में अपन लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस लेते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो पाई बाई टू, ग्राफ को लेफ्ट में पकड़ो, इधर से आओगे पाई बाई टू की तरफ तो भी जीरो की तरफ आ रहे, तो कॉटेक्स की लिमिट जीरो को अप्रोच करेगी, लेकिन इस बार क्या है पाई बाई टू से पहले कॉटेक्स पॉजिटिव होता है तो वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, उसके पास जा रहा है लेकिन है जीरो से बड़ा, तो ये जीरो से बड़ा है, जीरो प्लस राइट, तो कितना भी क्लोज चला जाए जीरो से बड़ा ही होगा, तो जीरो की बहुत क्लोज है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है मतलब तो पॉजिटिव नंबर है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेंगे तो क्या बन जाएगा इस केस में वो जीरो जीरो, और रिजल्ट क्या है भाई e की पावर जीरो बोले तो थर्ड ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन, इसमें LHL और RHL ऐसे अलग अलग मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ncx m अपॉन n की पावर x और दिस पार्ट की पावर n माइनस, तो देखो क्या करना है इसमें, देखो जैसे n को इनफिनिटी इसकी बात करोगे आप तो m अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये और ये इन्फिनिटी, तो ये तो क्या बन गया वन की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म, तो इसको तो अपन सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये इन्फिनिटी और ये भी आपका
भाई एन आपका इन्फिनिटी लोगे तो ये लार्ज वैल्यू होगी और ये आपका टेंस टू जीरो होगा, मतलब ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है। तो इसको भी अपन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आप इसमें एन सी आर का फॉर्मूला यूज करो। तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स इंटू, इस पर अपन पावर सेपरेट कर सकते हैं, एम की पावर एक्स अपॉन एन की पावर एक्स। और देखो इसमें अगर बात करोगे आप, चलो उसको बाद में देख लेते हैं, वन माइनस एम बाई एन की पावर एन माइनस एक्स। अब इधर देखो इसमें तो सिंपल सी बात है, वन की पावर इन्फिनिटी है तो सीधा शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो इसकी वैल्यू फाइनाइट क्या हो सकती है, इसमें एन आपका इन्फिनिटी है तो एक्स कॉन्स्टेंट है और एम की पावर एक्स कॉन्स्टेंट, तो ये तो अपन सीधा लिमिट से बाहर ले सकते हैं। और अपने जो ऑप्शन है उसमें भी एम की पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स गिवन है आपको, ठीक है, तो उसको अपन सेपरेट रखते हैं। अब इन दोनों टर्म, तीनों टर्म को देखो, दिस पार्ट और दिस पार्ट, तो ये फैक्टोरियल लेना है एन माइनस एक्स है, तो जब इसको ओपन करोगे तो 100% ये प्रेजेंट होगा, तो उसमें से देखो रिमेनिंग टर्म क्या होगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं एन ऑफ एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट। इसमें एक टर्म तो आने वाली है बेटा एन माइनस एक्स, तो इसको तो सीधा रख दो फैक्टोरियल में, उसके बाद उसके नेक्स्ट टर्म होगी माइनस वाली, तो इससे जस्ट जो प्रीवियस टर्म हो क्या होगी एन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन, ये आपका एडिटिव है, ये अपन कैंसिल कर देंगे बाद में इसको, और ये एन की पावर एक्स, इसका मीनिंग है एन आपका एक्स टाइम रिपीट होगा इसमें, ठीक है, एन डॉट एन डॉट 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 एन अप टू एक्स टाइम्स, ठीक है, और ये वाला पार्ट एक बार एडिटिव। इसके बाद देखो क्या करना है, ये पार्ट तो से कैंसिल आउट, ये देखो ढंग से, जैसे लेट एक समझने का भी है कि x को आपने 5 लेट किया तो क्या होगा n माइनस फोर, तो n माइनस जीरो से n माइनस फोर तक टोटल 5 टर्म्स है, तो ये भी आपका x टाइम, मतलब ये भी 5 टाइम्स है, मतलब क्या करो इसमें, ये जो x टाइम n n है तो ये भी आपके x फैक्टर्स हैं, तो आप ईच n को 1 बाय 1 डिवाइड करो, तो n अपॉन n होगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाय n 1 माइनस 2 बाय n डॉट 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 n प्लस 1 माइनस एक्स बाई एन। तो इसको अपन चलो लिख लेते हैं एक बार, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n क्या आ गया बोलो 1, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एन, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बाई एन डॉट डॉट डॉट, इसमें लिख सकते हो n ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एन, ठीक है, ये लिखने के बाद सॉरी ये वन लिखना था, अपॉन में आ गया बच्चों फैक्टोरियल एक्स, एक लिखना था आपको एम की पावर एक्स होता है इनटू एम की पावर एक्स, और एक दिस पार्ट है, देखो इसकी बात करोगे तो वन अपॉन इनफिनिटी जीरो टू बाई इनफिनिटी जीरो दिस अपॉन इनफिनिटी जीरो, मतलब ये तो सारी वैल्यू क्या होगी 1 1 1। तो अब आपको इसमें भी लिमिट को यूज करना है, तो ये कौन सी फॉर्म है, वन की पावर इनफिनिटी, तो उसमें सीधा शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं, इसको e की पावर में लेके और पावर को मल्टीप्लाई में और जो बेस है उसमें से कर दो 1 माइनस डायरेक्ट, तो ये आ गया माइनस ऑफ एम बाई एन, तो ये तो सारी वैल्यू 1 थी अपनी, तो देखो क्या जाएगा सॉल्व करने पे इक्वल टू ये 1 1 1, तो न्यूमेरेटर में तो आ गया एम की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, और इसमें देखो जब आप इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा e की पावर माइनस एन माइनस माइनस प्लस एम एक्स अपॉन एन। अब इस जब इसमें एन को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू अगेन जीरो की तरफ टेंड करने वाली है, तो ये आ गया e की पावर माइनस एन इंटू e की पावर माइनस एन, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो एक बार देखते हैं ऑप्शन, हाँ तो ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें भी ये किया हुआ है, जब एक एम को ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो
वो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो ये डिस्कशन था लिमिट के टॉपिक का। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। गुड बाय।